रहमान रहीम, मैकेनिक्स 1 बीएस मैथ्स सेमेस्टर 3। आज का जो टॉपिक है लैम्डा म्यू थ्योरम। तो ये स्टेटमेंट वाला के नाम वाला थ्योरम है, तो इसकी स्टेटमेंट भी याद करनी है और इसका प्रूफ भी। स्टेटमेंट क्या है कि रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी इज गिवन बाय लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, वेयर सी डिवाइड्स ए बी सच दैट ए सी रेशियो सी बी इज इक्वल टू म्यू रेशियो लैम्डा। तो ये कहने का मतलब ये है कि रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं। जैसे डायग्राम में देखें कि ये लैम्डा ओ ए था, ये लैम्डा ओ बी है, लैम्डा ओ ए है और ये म्यू ओ बी है, दोनों फोर्सेस हैं तो एक पॉइंट ओ के ऊपर मीट कर रही हैं, तो ये कंकरेंट फोर्सेस हैं। अच्छा जी, गिवन बाय लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, ये हमने प्रूफ करना है, वेयर सी डिवाइड्स ए बी, ए और बी ये साइड है इस ट्राइंगल की, सच दैट के ए बी रेशो सी, ए सी रेशो सी बी, ए सी रेशो सी बी इज इक्वल टू म्यू रेशो लैम्डा। चले इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। कंसीडर एक ट्राइंगल आपके पास बनती है ओ ए बी, ट्राइंगल में दो फोर्सेस हैं लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी जो के आर एक्टिंग अलोंग द साइड्स ओ ए एंड ओ बी। ये ट्राइंगल की दो साइड्स हैं ओ ए एंड ओ बी, इनके अलोंग दो फोर्सेस लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी एक्ट कर रही हैं। As shown in the figure, figure में दिखाया गया है the point C on AB, AB के ऊपर एक point C है जो AB को कट कर रहा है। इस condition में ये given है कि AC जो इतना फासला है वो CB उनमें जो ratio है वो बराबर होगी mu ratio lambda। तो आपको पता है कि जो ratio है वो divide के बराबर होता है, यानी AC डिवाइडेड बाई सी बी इज इक्वल टू म्यू ओवर लैम्डा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करें तो आपके पास लैम्डा ए सी बराबर म्यू सी बी बनता है। अब हमें पता है कि जो ए सी है, हम ए सी फॉर एग्जाम्पल ये एक वैक्टर है ए, अगर इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर दें ना तो ये नेगेटिव ए बन जाता है, या इस तरह से कह लें कि ये ए सी था तो ये CA बन गया, डायरेक्शन चेंज कर दें। इसी तरह यहां पे हुआ है कि AC एक वेक्टर था, उसकी डायरेक्शन चेंज की CA किया तो वो नेगेटिव बाहर आ गया। अब ये नेगेटिव इसके साथ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी लैम्डा CA बराबर नेगेटिव म्यू CB। ये रिजल्ट याद रखना है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये आपके पास एक रिजल्ट आया। अब यहां पे हम देखते हैं फिगर में, ये फिगर है कि ये एक वेक्टर बनता है हमारे पास OA इतना, अब ये बराबर होगा ओ सी प्लस सी ए, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। हम हेड टू टेल रूल लगा रहे हैं ना कि जो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होता है वो जो रिजल्टेंट होता है दो फोर्सेस का उन दो फोर्सेस के सम के बराबर होता है। तो एक फोर्स ये है ओ सी प्लस सी ए बराबर हो गया ओ ए के, ये हेड टू टेल रूल लगा। इसी तरह इस ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर बनती है, इसके ऊपर भी हेड टू टेल रूल लगा, ओ बी बराबर होगा ओ सी प्लस सी बी। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बाय हेड टू टेल रूल बनाई गई इस डायग्राम से। अब जो स्टेटमेंट है उसमें ओ ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है लैम्डा, और ओ बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है म्यू। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ओ ए है, तो ओ ए से हमने लैम्डा उसको मल्टीप्लाई करना है और ओ बी से हमने म्यू को मल्टीप्लाई करना है। यही लिखा है कि 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा एंड 2 बाय म्यू एंड ऐड, अब फिर उन दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड किया, राइट साइड को राइट साइड में ऐड किया। अब जिनके नीचे ये रेड लाइन लगी हुई है, ये इनमें से ओ सी कॉमन आया, आपके पास लैम्डा प्लस म्यू बच गया, बाकी सी ए प्लस म्यू सी बी, लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी अलग बच गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो रिजल्ट लिखा था लैम्डा सी ए बराबर है नेगेटिव म्यू सी बी, तो यहां पर
ये जो वैल्यू हमारे पास सी ए की थी वो नेगेटिव म्यू सी बी थी, वो यहाँ पे पुट कर दी, प्लस माइनस से कैंसिल आउट होगा और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जो इस बॉक्स में लिखा हुआ है। अब ये देखना है कि जो लेमडा ओ ए प्लस म्यू ओ बी, ये दो फोर्सेस हैं, तो इनका जो सम है वो रिजल्टेंट के बराबर होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है। मैं नेक्स्ट आपको एक थ्योरम करवाऊंगा जिसमें लिखा होगा कि जो कंकरेंट फोर्सेस होती है ना, नॉन कॉम्प्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, उनका जो रिजल्टेंट होता है उन फोर्सेस के सम के बराबर होता है। ये देखें P1, P2, P3, तीन फोर्सेस नहीं एक पॉइंट पे मीट कर रही थी, ये कंकरेंट हो गई, इन तीनों का सम इनके रिजल्टेंट के बराबर होगा। इसे इस तरह से लिखा जा सकता है R इज इक्वल टू समीशन PI, PI यानी n फोर्सेस हैं जिनका सम जो है वो उसके रिजल्टेंट के बराबर होगा। यानी ये हो गया लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी बराबर रिजल्टेंट आर। तो ये साबित हो गया कि आपका जो रिजल्टेंट था वो लैम्डा प्लस म्यू ओ सी के बराबर है। एक बात तो ये थ्योरम प्रूफ हो गया। अब इस थ्योरम के ऊपर अगर एक छोटी सी कंडीशन लगाई जाए कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू दोनों बराबर हो और बराबर 1 के हो, तो फिर क्या होगा? इसमें अगर लैम्डा म्यू की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू 2 OC बनता है। अब ये जो चीज है 2 OC, अब ये देखें अगर हम 1 पुट करते हैं तो देन लैम्डा म्यू थ्योरम जो है वो क्या बन जाता है, रिड्यूस टू पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम बन जाती है। यानी 2 OC बराबर OD एक डायगनल बन जाएगा पैरेललोग्राम का। ये डायग्राम है देखिए, ये पहले हमारे पास ये फोर्स थी, ये थी और ये सी था। अब अगर हमने सी को दुगना करना है क्योंकि ओ सी जो है वो बराबर है 2 OC के, तो इससे यहां तक ले गए और अगर हम ये थोड़ा सा ड्रा करें तो आपके पास ये एक पैरेललोग्राम बनती है। यही आपका आज का टॉपिक था। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट में बता देना है या आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा। क्लास, अल्लाह हाफिज़।